सरकार की आमद, दिलदार की आमद। किसी शायर ने क्या खूब नक्शा खींचा है, चेहरा है के अनवारे दो आलम का सहीफा, आंखें हैं के बहरेन तकद्दस की नगी है, माथा है के वहदत की तजल्ली का है वर्क, आरज है के वल फज्र की आयत के अमी है, गैसू है के वल लैल के बिखरे हुए साए, अबरू है के कौसैन शबे कद्र खुले हैं, गर्दन है के बरफर के जमी ओज सुरैया, लब सूरत याकूत शुआओं में धुले हैं, कद है के नबूवत के खदो खाल का मैयार, बाजू है के तौहीद की अजमत के अलम हैं, सीना है के रमजे दिल हस्ती का खजीना, पलके हैं के अल्फाज रुखे लोह कलम हैं, बातें हैं के तूबा की चटकती हुई कलियां, लहजा है के यजदा की जबां बोल रही है, खुतबे हैं के सावन के उमंडते हुए बादल, किरत है के इसरारे जहां खोल रही है, ये दांत ये शीराज है शबनम के तराशे, याकूत की वादी में दमकते हुए हीरे, ये मौज तबस्सुम है के रंगों की धनक है, ये अक्स मतानत है के ठहरा हुआ मौसम, ये शुक्र के सजदे हैं के आयात की तंजील, ये आंख में आंसू हैं के इल्हाम की रिमझिम, कहने को तो मलबूस बशर ओढ़ के आया, कहने को तो मलबूस बशर ओढ़ के आया, लेकिन तेरे अहकाम फलक पर भी चले हैं, उंगली का इशारा था कि तकदीर की जरबत, महताब के टुकड़े तेरे कदमों में गिरे हैं, कहने को तो खाकों पे गुजरी तेरी रातें इस्लाम, मगर अब भी नमक खार है तेरा, तूने ही सिखाई तमीज़े मनो यजदा, इंसान की गर्दन पे सदा भार तेरा है, कहने को तेरा फक्र तेरे फख्र का बाइस, कहने को तेरा फक्र तेरे फख्र का बाइस, लेकिन तू सखावत के समंदर का किनारा, कहने को तेरे सर पे है दस्तार यतीमी, कहने को तो दर है तेरे सर पे दस्तार यतीमी, लेकिन तू जमाने के यतीमों का सहारा, लेकिन तू जमाने के यतीमों का सहारा। अब मैं बिला ताखीर उस तालिब इल्म का नाम लेने जा रहा हूँ जिसने हमारी तहसील नहीं, ज़िला नहीं, बल्कि हमारे पूरे मुल्तान डिवीज़न का नाम रोशन किया है, और उसने पंजाब लेवल पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख रुपया इनाम भी हासिल किया है, जो कि हमारे स्कूल के लिए एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है, जो कि हमारे स्कूल के लिए एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है। और हम मोहतरम जनाब CEO एजुकेशन शमशेर अहमद ख़ान साहब और DEO सेकेंडरी शेख मोहम्मद रफ़ीक साहब का तहे दिल से मशकूर हैं, जिन्होंने इस मौका पर हमारी पज़ीराई की। और आपको एक और खुशखबरी देना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल का गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी नतीजा 100% रहा है, इस साल भी 100% रहा है, जो कि हमारे स्टाफ की काविशों का मुंह बोलता सबूत है। हम अपने सीनियर हेडमास्टर इदारा हाजा मोहम्मद अकरम राव साहब के इंतहाई मशकूर हैं कि उन्होंने एक बार फिर हमारी सरपरस्ती की, और हमारे अपने उस्ताद मोहतरम मुकर्रम जनाब ताहिर नक्शबंदी साहब, जिन्होंने खराबी सेहत के बावजूद तलबा को भरपूर तैयार किया, और दीगर तमाम मुआविनीन की दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने इस बज़्म को कामयाब करने में भरपूर हिस्सा लिया। अब मैं मुल्तमिस हूँ जनाब DEO सेकेंडरी साहब से कि वो हमारे इन पोजीशन होल्डर्स बच्चों को इनामात से नवाजें। हाफिज़ मोहम्मद नोमान, हाफिज़ मोहम्मद नोमान जिसने अभी स्कूल में किरत की है, और यही वही बच्चा है जिसने पंजाब लेवल पर हमारे स्कूल का, हमारे ज़िले का, हमारे डिवीज़न का नाम रोशन किया है। एक बार भरपूर तालियों के साथ मोहम्मद नोमान। और इसके बाद तकरीर के मुकाबले में मोहम्मद रिजवान जमात दोहम, मोहम्मद रिजवान जमात दोहम। अब मैं मोहतरम जनाब CEO एजुकेशन साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ
और हमारे नात खाने के मुकाबला में अव्वल आने वाले बच्चे को इनाम से नवाजें। मोहम्मद जैन जमात नहुम, मोहम्मद जैन जमात नहुम। और ख़ुसूसी इनाम उस बच्चे के लिए जिसने कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ा है, मोहम्मद महताब जमात पंजुम, मोहम्मद महताब जमात पंजुम। सर लिखाऊं क्या? एक कॉपी देना है, ठीक है सर। वो अब मैं जनाब मोहतरम सी यू एजुकेशन साहब, जनाब डी यू एजुकेशन साहब और हम अपने हेडमास्टर साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि जिस बच्चे ने पंजाब लेवल पर टॉप किया है उसे चेक भी पेश करें, उसे शील्ड भी पेश करें और उसे ट्रॉफी भी मुश्तरका तौर पर पेश करें। जनाब मोहम्मद अकमल साहब भी तशरीफ ले आए सर, मोहम्मद अकमल चौधरी साहब, हेडमास्टर सीनियर हेडमास्टर हाई स्कूल सिकंदराबाद। भरपूर तालियों के साथ। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज है कि हमारे सीओ साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, डीयू साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, जिन्होंने हमारे इदारे को पजीराई दी, इज्जत बख्शी। हम इन तमाम के लिए इनके मशकूर हैं। अब मैं इजहार ख्याल के लिए दावत सुखन दूंगा जनाब सीनियर हेडमास्टर हाई स्कूल इदारा हाजा मोहम्मद अकरम राव साहब की वाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन अमन तो बिल्लाहि सदकल्लाहु मौलाना अज़ीम। मेरे इंतहाई ज़ीवकार जनाब शमशीर अहमद ख़ान साहब सी ओ एजुकेशन, जनाब शेख मोहम्मद नतीम साहब डी ओ सेकेंडरी मुल्तान, जनाब राव शाह मोहम्मद साहब सीनियर हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल तरगढ़, जनाब चौधरी मोहम्मद अकमल साहब सीनियर हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल सिकंदराबाद, मैं आप सबका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मेरी दावत पर लबैक कहते हुए अपनी आमद को यकीनी बनाया। आपका बहुत शुक्रिया। और साथ ही मैं अपने अदारा हाजा के मुंतजमीन और ख़ास तौर पर मेरे वो असातिज़ा जिन्होंने इस फंक्शन के लिए तलबा को तैयार किया वो यकीनन खराज तहसीन के लायक हैं और मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूं। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अब मैं बिला ताखिर दावत दूंगा जनाब शेख मोहम्मद रफीक साहब को डीईओ सेकेंडरी मुल्तान के वाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब जी एहतशाम शमशीर अहमद ख़ान साहब सी ओ एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी मुल्तान, जनाब राव मोहम्मद अकरम साहब प्रिंसिपल स्कूल हाजा, मुअज़्ज़ज़ मेहमान सरबराहाना इदारजात और असातिज़ा कराम और मुअज़्ज़ज़ मेहमानान के साथ प्यारे तलबा, अस्सलाम वालेकुम। मैं तकसीम नमाज के सिलसिले में लाहौर गया था। मिनिस्टर साहब ने जब इनाम दिया मोहम्मद नुमान को
तो मुझे इंतहाई खुशी हुई और हमारा सर फख्र से बुलंद हुआ। हमारे लिए इंतहाई खुशी की और फख्र की बात है कि हमारे रिश्ते के तालिबे ने पंजाब भर में अव्वल पोजीशन हासिल की, जिसके लिए मैं राव मोहम्मद अकरम साहब को और यहाँ के असाज़ा को और जनाब मेहमान जो हमारे आए हुए हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बच्चे मोहम्मद नुमान के लिए बहुत सी दुआएं मेरी तरफ़ से और बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपको आइंदा भी कामयाबियाँ नसीब फरमाए और इसी तरह सूबाई लेवल के साथ मुल्क का नाम भी आप रोशन करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया सर। अब मैं प्रोग्राम के आखिर में मुल्तमिस हूँ जनाब शमशीर अहमद ख़ान साहब, सीईओ एजुकेशन ज़िला मुल्तान के वाएँ और हमारी हौसला अफजाई फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बहुत ही मोहतरम भाई शेख मोहम्मद रफ़ीक साहब, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी मुल्तान, ज़ीवकार जनाब राव मोहम्मद अकरम साहब, सीनियर हेडमास्टर स्कूल हाजा, बाकी इदारों के सरबराहान, मुअज़्ज़ज़ असाज़ा कराम और प्यारे स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मैं सरबराह इदारा और इसकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज उन्होंने एक बाबरकत महफ़िल का इनेकाद किया और मेरे लिए भी ये बहुत अल्लाह ताला की तरफ से एक यूँ समझें कि मुझे मौका मिला कि मैं भी इस बाबरकत महफ़िल में शामिल होकर और जो सवाब आपको मिल रहा था उसमें मैं भी शरीक हुआ। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर देखा तिलावत कलाम पाक के हवाले से, तो इसमें कोई शको शुबा की बात नहीं कि हमारे इस प्यारे बच्चे ने पंजाब लेवल पे पहली पोजीशन हासिल करके हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया, अपने स्कूल का नाम रोशन किया, अपने वालदैन का नाम रोशन किया और ये हमारे लिए बड़े एज़ाज़ की बात थी कि उस दिन मैं लाहौर किसी मीटिंग में था जब मुझे ये पता चला, बल्कि शरीफ साहब जो कि इसी इलाके से ही ताल्लुक़ रखते हैं, इन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि हमारे बच्चे की पंजाब में पहली पोजीशन आई है। तो उस वक्त जो मेरे अंदर एक खुशी का आलम था, खुशी की लहर थी, उसका मैं बयान नहीं कर सकता और मैं बड़े फ़ख्र से वो एडिशनल सेक्रेटरी साहब के साथ बैठा हुआ था तो उसे बता रहा था कि सर वो हमारा ज़िला जो है ना वो पहली पोजीशन में आया है। तो ये आप तमाम को, आप तमाम असाज़ा इकराम, अपने हेडमास्टर साहब और ख़ास तौर पे इस बच्चे नौमान को बहुत बहुत मेरी तरफ़ से मुबारकबाद हो, मुबारकबाद पो। और इस मौका पर मैं अपनी जेब से भी इनके लिए 2000 के इनाम का जो है ना वो ऐलान करता हूँ, बल्कि अभी यहाँ पर इंशाल्लाह मैं हैंडओवर करके जाऊँगा। तो इसके साथ ही जो आज की यहाँ पर महफिल का इनकाद हुआ, इसमें कोई शको शुबा की बात नहीं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही अल्लाह की मोहब्बत है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी बख्शिश हो, हम कामयाब ज़िंदगी गुजारें और आखरत में भी हम सुरखरू हों, तो फिर हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना होगा, उनकी सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना होगी। तो मैं इस मौका पर दुआ गो हूँ कि हम सबको अल्लाह ताला ये तौफीक दे कि हम अपने दिलों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा करें और उनकी सुन्नत पर अमल पैरा हो। आखिर में एक बार फिर मैं आप
तमाम स्टाफ को, जनाब सीनियर हेड मास्टर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ, और ये भी शुक्र अदा करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जी आपने हमें भी इस महफिल में शिरकत होने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, जो करनी है जहांगीरी मोहम्मद की गुलामी कर, जो करनी है जहांगीरी मोहम्मद की गुलामी कर, अरब का ताज सर पर रख खुदा बंदे अजम हो जा, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अब मैं साबिर साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो मुअज़्ज़ज़ मेहमाना गरामी को कमरा जमात दो में ले जाएं। हमारा जो बकिया प्रोग्राम है वो यहीं पर जैसे चल रहा था वैसे चलता रहेगा, तमाम स्टाफ यहीं मौजूद रहेगा। हेडमास्टर साहब और मेहमाना गरामी जमात दो में तशरीफ़ ले चले। साबिर साहब पहले सी ओ साहब के साथ मेहमानाने गरामी में ग्रुप फोटो लेना है और फिर स्टाफ ने बनवाना है ग्रुप। पहले ग्रुप फोटो बनेगा सी ओ साहब के साथ मेहमानाने गरामी का, उसके बाद जो हमारा स्टाफ है वो बारी बारी ग्रुप की सूरत में इनके साथ ग्रुप फोटो बनवाएंगे। सर आगे तशरीफ ले आते हैं। इस मौका पर मैं एक बार फिर इन मेहमानों ने ग्रामी का और हमारे मुअज्ज़ज़ जो ऑफिसर्स हैं इनका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे इदारे को इज़्ज़त बख्शी। अब स्टाफ मेंबरान आ जाएं और सर के साथ ग्रुप फोटो बनवाएं। स्टाफ इदारा हाजा और तलबा यहीं पर बैठे रहें, अभी आप